मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये गाना जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये 40 साल पहले मैंने गाया था। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हमारा नाम भी लिख लो मोहब्बत करने वालों में। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज। सीने पे जो रख दो तो फरारा जाए दिल के कुछ। मजे उड़ा लो दुनिया वालों, दुनिया आनी जानी है, वो दुनिया आनी जानी है। नाजुक दिल है तोड़े न देना, आए तोड़े न देना साथ हमारा। हमको याद है या बापी है याद या। आइए दोस्तों, बात करते हैं 30 के दशक के प्रसिद्ध गायक गुलाम मुस्तफा दुरानी की, जिन्हें जीएम दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म साल 1919 में पेशावर में एक पठान परिवार में हुआ था। जब इनकी उम्र बहुत छोटी थी तब इनकी माता का निधन हो गया था। इनके पिता एक सख्त मिजाज के आदमी थे और इनकी एक बड़ी बहन भी थी जो हर कदम पर इनका सहयोग करती थी। दिल तो कहता है कि आँखों में छुपा लूं तुझको, अपने पिता के आदेश से ये एक चित्रकार की दुकान पर नौकरी करते थे। वहाँ पर ये अभिनेता और संगीतकार रफीक गजनवी की धुनें गुनगुनाया करते थे और उनके गानों की नकल भी किया करते थे। इनके साथ काम करने वाले लोगों ने इनकी गायकी की प्रशंसा की तो इनका मनोबल बढ़ा और इन्होंने रफीक गजनवी को अपना गुरु मान लिया और उनके गानों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इनके पिता सहित कुनबे के सभी लोग गायन के खिलाफ थे। वे लोग गाने वाले को कंजर कहकर बुलाते थे। पिता ने इन्हें चित्रकार की दुकान से अपने भाई और इनके चाचा की मोटर पार्ट्स की दुकान पर नौकरी करने के लिए कहा। इन्होंने कुछ दिनों तक अपने चाचा के पास नौकरी की, लेकिन इनके अंदर के कलाकार को इनके चाचा ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाई। एक दिन ये मौका पाकर जेब में 22 रुपए लेकर पेशावर से लाहौर भाग गए। खबर किसी को नहीं वो किधर। लाहौर में ये रेडियो पर गाने गाकर और दूसरे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ आँख मिली कुछ पैसा मिला हमें दिल पर देखी। लाहौर से ये मुंबई चले गए थे और वहाँ पर रेडियो प्रसारक के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन फिल्मों में अभिनय करना इनको अच्छा नहीं लगता था। इनका कहना था कि दिन भर धूप में अभिनेत्री के आगे पीछे भागना बड़ा मुश्किल भरा काम था। छोरी की जात बड़ी बेवफा, लूट ले दिल नजरिया मिला। फिल्मों में अभिनय छोड़ने के बाद ये बेरोजगार हो गए थे। वापस घर जा नहीं सकते थे क्योंकि परिवार और कुनबे के लोग इनको कंजर कहते थे। ऐसे में ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जुड़ गए और वहाँ पर रेडियो प्रसारक के तौर पर काम किया। आवाज़ मोहब्बत देखा है अनजान। कुछ समय बाद इनका स्थानांतरण दिल्ली से रेडियो के मुंबई केंद्र में हो गया था। मुंबई में इनका वेतन 40 रुपये प्रति महीने था और वहाँ पर ये ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। जल्दी इनकी गिनती उस समय के सर्वश्रेष्ठ रेडियो नाटक कलाकारों में होने लगी थी। 3 साल तक वहाँ पर काम करने के बाद इनका वेतन 70 रुपए प्रति महीने हो गया था। दमड़ी दमड़ी पैसा पैसा जोड़ जोड़ कुछ पैसा मिला हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। साल 1939-40 में जब फिल्मों में पार्श्व गायन का चलन शुरू हुआ तो इन्हें फिल्म बहुरानी में एक गाना गाने का ऑफर मिला, लेकिन ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय रेडियो के कलाकारों को निजी रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी। गाने के संगीतकार रफीक गजनवी थे, उन्होंने आग्रह किया तो दुरानी ने कहा कि मैं रविवार रात को रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इनके कहे अनुसार रविवार के दिन रात को रिकॉर्डिंग की गई और गाने की फीस के बदले इनको 75 रुपये दिए गए।
रेडियो में इन्हें 70 रुपये एक महीने के मिलते थे और फिल्म के लिए गाने पर इन्हें 75 रुपये एक गाने के मिले। इसलिए इन्होंने रेडियो की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान पार्श्व गायन की तरफ दिया। मेरे दिल में गुदगुदी होती है, मेरे दिल में गुदगुदी है, गुदगुदी हुई गुदगुदी। मेरे मालिक मेरी किस्मत को जब तूने। साल 1940 से 50 के बीच इन्होंने लगभग हर संगीतकार के साथ 100 के करीब फिल्मों में गाने गाए। नई जवानी बुत मस्तानी, ठंडी शाम सुहानी, ऐसे में ऐ दिल। इन्होंने अपने दौर के सभी गायक गायिकाओं शमशाद बेगम, नूरजहां, सुरैया, गीता दत्त, अमीर भाई कर्नाटकी, राजकुमारी, लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, इन सब के साथ गाने गाए थे। ऐसी नजरों से न देखो के वो मारा जाए, ऐसा के पद में हमको याद है। लता मंगेशकर ने अपने फिल्मी करियर का पहला गाना छोरे की जात बड़ी बेवफा इन्हीं के साथ गाया था। हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा, बेवफा से कोई दिल। मोहम्मद रफी ने इनके कोर्स में गाना गाया था और इनकी तरह गाने की कोशिश किया करते थे। आजकल की नारियां हैं मुक्त की बीमारियां बीमार। एक बेहतरीन गायक होने के बावजूद साल 1950 के बाद इनका गायकी में करियर खत्म हो गया, क्योंकि इनमें टिकने की क्षमता नहीं थी, एक जगह टिकते नहीं थे ये। पहले विनय छोड़ा, फिर रेडियो की नौकरी छोड़ी और गायकी में भी ये मस्खरी करने लग गए थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे गायकी को। एक बार इन्होंने लता मंगेशकर को कहा था कि तुम हमेशा ये सफ़ेद चादर लपेट के क्यों आ जाती हो। लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग के समय सफ़ेद साड़ी पहन कर आती थी। उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरी साड़ी देखते हैं, मैं तो सोच रही थी कि ये मेरी गायकी को देखते होंगे, आज के बाद मैं इनके साथ गाने नहीं गाऊँगी। इस तरह से इनका कैरियर ख़त्म होता चला गया। एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अध्यात्म को अपना लिया था। इन्होंने अपनी धन दौलत फकीरों को दान कर दी थी और खुद भी फकीर हो गए थे। ये क्या किया, ये क्या किया। इन्होंने फिल्म अभिनेत्री ज्योति से शादी की थी जिसका असली नाम सितारा बेगम था। सितारा बेगम की बड़ी बहन वहीदान की बेटी निम्मी है जो इन्हीं के पास पली और बड़ी थी, क्योंकि वहीदान की मृत्यु हो गई थी। निमी की माता वहीदान भी एक अभिनेत्री थी। ये निमी के मौसा थे। 8 सितंबर साल 1988 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। तेरे दिल पे मैंने सितम किया, तेरी हर खुशी का हमारा छोड़ न देना, का हमारा छोड़ न देना। ओ, 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 ओ,